viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. Today I have made this video for Cancer zodiac sign जिनकी राशि कर्क है. कर्क राशि के जातकों का 1 मई से 15 मई तक का समय कैसा जाएगा ये मैं जरूर देखना चाहूंगी कि इतने कठिन समय में कैसा जाएगा कर्क राशि के जातकों का कैसा जाएगा समय. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्लीज मुझे बताएं कैंसर जिनका जोडिक साइन है कर्क राशि के जातकों का कैसा जाएगा 1 मई से 15 मई तक का समय. 15 डेज के लिए क्या मैसेज है उनके लिए जिससे वो प्रिकॉशन ले सके अपने लाइफ में. फर्स्ट कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके पास इस वक्त. किसी भी तरह की गुड न्यूज़ या कुछ अच्छे हैप्पी मोमेंट्स आप इंजॉय करेंगे अपने 15 दिनों में. लेकिन आप गॉसिपिंग का भी शिकार हो सकते हैं इसकी वजह से. ये जो गुड न्यूज़ आएगी आपके पास जो भी खुशखबरी आएगी आसपास रिश्तेदारी में कंपनी में अगर काम करते हैं तो हो सकता है कि बॉस की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल जाए या आपस में कलीग्स में कुछ हैप्पी न्यूज़ हो. ये कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं लेडीज़ जो हैं वो प्रेगनेंसी का भी जो है यहाँ पे गुड न्यूज़ संभावना है कि हो सकता है प्लानिंग करें. तो इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है. लेकिन गॉसिपिंग का आप शिकार हो सकते हैं. पीठ पीछे लोग कुछ कहेंगे और सामने आके कुछ कहेंगे तो इस तरह की चीज़ आपके साथ रहेगी. जो भी खबर होगी तो ध्यान रखिएगा कि गॉसिपिंग से आप बचिए इस वक्त. जो भी आपके पास खुशखबरी आएगी उसको अपने तक ही सीमित रखिए. उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मत करिए क्योंकि गॉसिपिंग का आप पंचायत का शिकार हो सकते हैं. हो सकता है लोग सामने आके कुछ कहें और पीठ पीछे कुछ कहें तो नज़र लगने का भी डर रहता है ऐसे में. तो ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपके पास है उसको संभाल के रखिए अपने पास. यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी चीज़ से आप सेपरेट हो सकते हैं. सेपरेशन का कार्ड है. हो सकता है कोई पुरानी हैबिट हो कोई पुराना कोई डिसीजन लिया हो आपने कभी तो उससे आप सेपरेट हो सकते हैं. किसी भी सिचुएशन से आप सेपरेट हो सकते हैं. अगर मैं दोनों कार्ड को रिलेट करूं तो जो भी गॉसिपिंग का शिकार आप होंगे फिर उन लोगों से जब आपको पता चलेगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों से आप सेपरेट हो जाएं. और बेहतर यही है कार्ड का मैसेज भी यही है कि आप बिल्कुल सेपरेट रहें और अपने आप को आप सेपरेट कर भी लेंगे गॉसिपिंग से. जो पंचायत होती है जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे होता है ना कि ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो एकाध ग्रुप्स होते हैं जो कभी कभी बुराई करने लगते हैं. इस तरीके से चीज़ यहाँ पे अगर हो रही है आपके साथ तो उस चीज़ से हट जाइएगा. अगर आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है या आसपास आस पड़ोस में लेडीज़ को अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी जो है वो पंचायत हो रही है मतलब मेरी जो भी मैंने हासिल किया है खुशखबरी जो मुझे मिली है जो भी गुड हैप्पी मोमेंट्स हैं उसको लेके पंचायत हो रही है तो उससे आप सेपरेट हो जाएंगे इस वक्त बिल्कुल. और होना भी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान है. इशू हो सकता है किसी बड़े जने से किसी बुज़ुर्ग किसी मेल पर्सन से घर पे या ऑफिस में. अगर आप बॉस हैं अगर आपके तो वहाँ पे आपका जो है वो विवाद हो सकता है. अगर आप खुद बॉस हैं तो ध्यान रखिएगा कि कंपनी में खुद अगर आप खुद एक मैनेजर हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका इश्यूज़ किसी ना किसी चीज़ पे संभावनाएं दिखा रहा है कि इश्यूज़ हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर विवाद हो सकता है. घर में जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी हाउसवाइफ जो हैं ध्यान रखिएगा. घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं अगर आपके सास ससुर नहीं हैं तो हस्बैंड से भी कहीं ना कहीं या आपके पिता समान किसी व्यक्ति से जो है आपका जो है वो कहीं विवाद यहाँ दिखा रहा है. हो सकता है कि हस्बैंड से भी हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि किसी मेल पर्सन से आपका विवाद दिखा रहा है. अगर आप खुद एक मेल हैं तो ध्यान रखिएगा कि बड़े बुज़ुर्गों का इस वक्त थोड़ा सा आप शांत रह लीजिए. इशू क्रिएट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है. और जो भी इशू क्रिएट होगा उसकी वजह से आपको इंसल्ट कहीं ना कहीं झेलनी पड़ जाएगी. इसलिए यहाँ क्लियर मैसेज है कि आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेस करने की कोशिश करें. कभी कभी क्या होता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप शांत रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आगे जाके फिर वो काम बिगड़ जाए. बेहतर यही है कि आप उस वक्त शांत रह लीजिए या उस सिचुएशन से हट जाइए या उस व्यक्ति के पास से हट जाइए. तो ज़्यादा बातचीत मत करिए तो क्या होगा कि इंसल्ट नहीं होगी. एटलीस्ट इंसल्ट से बचिएगा. ईश्वरीय कृपा दिखा रहा है. हो सकता है कि बॉस आपको इस वक्त कोई काम दें या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए बनाई है. उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा. उस काम को करिए जिस काम के लिए आप आए हैं. जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करें
जो कंपनी में काम कर रहे हैं अपने काम पे ध्यान दें, जो घर में हाउस वाइफ हैं वो भी अपने हाउस को कैसे मेंटेन करना है, घर में चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ईश्वरी कृपा दिखा रहा है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। एक अच्छा कार्ड आया हुआ है ये आखिरी में, तो आई थिंक ये जो कुछ भी गुड न्यूज़ आएगी उसको अपने तक रखिए, बहुत क्लियर मैसेज है। और इंसल्ट से बचिएगा, झगड़े विवाद ना हो उससे बचिए, शांत रहिए। और किसी चीज़ से आप सेपरेट हो सकते हैं इस वक्त, सेपरेशन का कार्ड आया हुआ है, किसी सिचुएशन से किसी व्यक्ति से आप सेपरेट हो सकते हैं, तो हो सकता है दूर चले जाएं कुछ समय के लिए, तो ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। गॉसिपिंग से बचिएगा, बाकी कार्ड्स जो हैं वो क्लियर मैसेज है, 50-50 है, कुछ अच्छे हैं कुछ नेगेटिव आए हुए हैं। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।